हेलो दोस्तों, आप सभी को मैं नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज के ऊपर, जो कि 4,033 रुपए पर लास्ट ट्रेडिंग डे में क्लोजिंग दिया था। तो आज इस पूरे वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो डिक्सन टेक्नोलॉजी है वो किस प्रकार का शेयर है, इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, इसने अभी तक अपने निवेशकों को किस प्रकार का रिटर्न दिया है, और इसके फंडामेंटल्स के आधार पर हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में डिक्सन टेक्नोलॉजी के शेयर भाव किस प्रकार से बदल सकते हैं। अगर इसके 52 वीक हाई की बात करें तो ये तकरीबन 4400 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। 52 वीक लो 815 रुपए है, यानी कि ये अपने 52 वीक हाई के आसपास जाकर के ये ट्रेड कर रहा है। और अब तो क्वार्टर फोर के नतीजे भी आने वाले हैं दोस्तों। हालांकि ये कंपनी अभी तक अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट की डेट की अनाउंसमेंट नहीं की है, वो कभी भी जारी हो सकते हैं। लेकिन हम लोग इस वीडियो में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसके क्वार्टर फोर के जो नतीजे आएंगे दोस्तों, वो अच्छे रह सकते हैं या खराब रह सकते हैं, इस बात पर भी चर्चा करेंगे। और इन सारी बातों को मिला करके इस वीडियो के अंत में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि डिक्सन टेक्नोलॉजी के शेयर भाव किस प्रकार से बदल सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसके लाइफ टाइम चार्ट को देख लेते हैं। तो यहां पर दोस्तों क्या देखने को मिल रहा है, लाइफ टाइम चार्ट में ये काफी बुलिश फेज में चलता हुआ देखने को मिल रहा है। ये पूरी की पूरी तरह अप ट्रेंड में चल रहा है। तो अप ट्रेंड में चल रहा है दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं अपने निवेशकों को काफी अच्छा रिटर्न दिया होगा। इसको अभी हम लोग वीडियो के आगे में देखेंगे। और अगर इसके ट्रेंड को देखें दोस्तों, तो इसमें तेजी आती है, मंदी आती है, फिर देखिए काफी तेजी आती है, कुछ दिन तक कंसोलिडेट करता है, उसके बाद वापस इसमें तेजी आती है, फिर ये देखिए यहाँ पर इसमें करेक्शन हुआ, फिर तेजी आई, फिर ये देखिए यहाँ पर करेक्शन हो रहा है, उसके बाद वापस तेजी आती है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा था, उसके बाद मंदी आई, अब वापस इसमें तेजी बन रही है। तो क्या हम लोग पहले के पैटर्न को देखते हुए ये समझे कि ये स्टॉक यहाँ से और ऊपर निकल जाएगा या वापस ये नीचे गिर जाएगा? तो जो इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों, उनका मोटिव होता है शेयर मार्केट में आकर के पैसे बनाना। यहां पर कोई बंदा ये नहीं चाहता कि यहां पर पैसा गंवा के जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है दोस्तों, इसलिए कि लोगों के पास पैसे तो लगाने के लिए होते हैं, वो टाइम भी देते हैं, लेकिन किस चीज की कमी होती है दोस्तों, पेशेंस की कमी होती है। पेशेंस ये जो है, ये ऐसी चीज है जो मैक्सिमम लोगों के पास देखने को नहीं मिलती है शेयर मार्केट में, और इसी वजह से लोग पैसा बनाने से वंचित हो जाते हैं। और पैसा बनाने के लिए थोड़ा आपको टाइम भी देना पड़ता है, लेकिन बहुत सारे लोग टाइम भी देना नहीं चाहते हैं। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो ये 10 मिनट 12 मिनट का हो सकता है, लेकिन लोगों को इतनी हड़बड़ी होती है कि वो 10 मिनट का भी टाइम नहीं दे पाते हैं और पूरा वीडियो देख पाते हैं। उनको सिर्फ ये लगा रहता है कि कैसे हमको रिजल्ट पता चल जाए कि डिक्सन टेक्नोलॉजी 6,000 का हो जाएगा, कितने दिनों में हो जाएगा ये पता नहीं है, लेकिन अभी वो खरीद लेंगे, उसके बाद ये गिर जाएगा, तो बहुत तरह के निगेटिव कॉमेंट भी आने लगेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो लैकिंग होता है वो पेशेंस का लैकिंग होता है। पैसा लगाना शेयर मार्केट में बहुत आसान है, शेयर खरीद करके नीचे आ जाता है तो पूरे 2 साल भी इंतजार कर सकते हैं, लेकिन जब जिस शेयर में कमाना होता है वहां पर वो बेच करके निकल जाते हैं, तो ये पेशेंस की भारी कमी होती है। तो चलिए दोस्तों, आउट ऑफ वे मैं जाकर के बोल रहा था, लेकिन शेयर मार्केट से रिलेटेड है, ये भी काफी जरूरी है। तो अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि हम लोगों को डिक्सन टेक्नोलॉजी में क्या करना चाहिए। तो जैसा कि दोस्तों मैं सारे वीडियो में ये बताते आया हूं कि जिस भी कंपनी के फंडामेंटल मजबूत होंगे वही कंपनी आगे चल करके पैसा बना करके देगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों फंडामेंटल चेक करने से, और सबसे पहले हम लोग एनुअल रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए FY16 से इनके एनुअल रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी के। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, इस कंपनी की रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए लगातार इनके रेवेन्यू साल दर साल हायर हाई बनाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं दोस्तों की FY21 में डिक्सन टेक्नोलॉजी हायर रेवेन्यू रिपोर्ट करने वाली है, ऐसा इसके जो
पैटर्न है रेवेन्यू के, इससे साफ साफ देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि कितना रेवेन्यू ये रिपोर्ट कर सकती है FY21 के लिए। तो इसके लिए दोस्तों 3 क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसके 3 क्वार्टर के रिजल्ट को देखते हैं कि ये कितना रेवेन्यू रिपोर्ट की है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों कि जो 3 क्वार्टर में इसने जो रेवेन्यू रिपोर्ट किया है ये 4338 करोड़, या इसको लमसम में बोल दें दोस्तों कि 4300 करोड़ इसने रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। और अगर इसके प्रीवियस 3 क्वार्टर के जो रेवेन्यू है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि उस मामले में भी ये कंपनी हाईएस्ट रेवेन्यू रिपोर्ट की है FY20 में, जबकि FY19 में ये 3542 करोड़ था। तो अब हम लोग वापस आते हैं इसके फाइनेंशियल पर। अब दोस्तों हम लोग FY21 के जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है उसको लगाने की कोशिश करते हैं कि वो कितने देखने को मिल सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा दोस्तों कि 9 मंथ पीरियड में इनके जो रेवेन्यू रिपोर्टेड हैं वो 4300 करोड़ के आसपास देखने को मिले हैं। अब हम लोग को एक जो Q4 के रेवेन्यू होंगे दोस्तों, 1 क्वार्टर के, उसका एस्टीमेट लगाना है वो कितने हो सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम लोगों को इसके क्वार्टरली रिजल्ट को चेक करना पड़ेगा कि क्वार्टरली बेसिस पर ये ऑन एन एवरेज कितना रेवेन्यू रिपोर्ट करती है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वार्टरली बेसिस पर इनके रेवेन्यू में काफी जंप देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम लोग एवरेज निकालने की कोशिश करें तो ये क्वार्टरली बेसिस पर अगर पिछले 5 सालों का हम लोग एवरेज निकालें दोस्तों, तो ये तकरीबन 1100 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो हम लोग ये मान के चले कि 4th क्वार्टर में ये कंपनी कंजर्वेटिवली 1100 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट करेगी। तो हम लोग इसको 1100 लिख लेते हैं दोस्तों। तो अब टोटल रेवेन्यू दोस्तों कितना हो सकता है, तो टोटल रेवेन्यू जो निकल करके आ रहा है दोस्तों ये करीब 5400 करोड़ का रेवेन्यू निकल करके आ रहा है FY21 के लिए। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि इनके जो एनुअल रिजल्ट के हिसाब से अगर इसके रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो इनका रेवेन्यू जो है 4400 से बढ़ करके 5400 करोड़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ह्यूज जंप देखने को मिल रहा है, ये देखिए काफी ह्यूज जंप है। और ये जंप दोस्तों कितने परसेंट का देखने को मिल सकता है, तो ये तकरीबन ये 25% का जंप देखने को मिल सकता है इसके FY21 के रेवेन्यू में। तो ये काफी बड़ा जंप होगा डिक्सन टेक्नोलॉजी के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि इनके नेट प्रॉफिट कैसे देखने को मिलते हैं एनुअली। तो यहाँ पर देखिए इनके जो नेट प्रॉफिट हैं ये काफी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब हम लोग इसके जो FY21 के नेट प्रॉफिट का भी एस्टिमेट लगाते हैं कि वो कितना हो सकता है। तो इसके लिए हम लोगों को फिर से जो इनके 9 मंथ के रिजल्ट हैं दोस्तों 3 क्वार्टर के, उसको चेक करना पड़ेगा कि 9 मंथ में इन्होंने कितना प्रॉफिट निकाला है। तो उसको यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर जो 9 मंथ पीरियड में प्रॉफिट निकल करके आ रहा है वो 115 करोड़ देखने को मिल रहा है। हम लोग वापस चलते हैं इसके एनुअल रिजल्ट पर। तो यहाँ पर एस्टिमेट लगाते हैं कि 9 मंथ पीरियड में इनके जो नेट प्रॉफिट है वो 115 करोड़ देखने को मिले हैं, और क्वार्टरली बेसिस पर अगर इसके नेट प्रॉफिट का एस्टिमेट लगाएं कि एवरेज कितना इनका नेट प्रॉफिट आता है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ऑन एन एवरेज इनके जो नेट प्रॉफिट है वो तकरीबन हम लोग मान के चले कि 30 करोड़ के आसपास आते हुए देखने को मिलते हैं। तो 4th क्वार्टर में दोस्तों अगर हम लोग ये मान लेते हैं लोअर साइड में कि इसके 30 करोड़ के नेट प्रॉफिट आते हैं, तो कुल फुल ईयर के अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये तकरीबन 145 करोड़ देखने को मिल सकते हैं कंजर्वेटिवली। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों कि इनका जो फुल ईयर का जो नेट प्रॉफिट आएगा वो 145 करोड़ आएगा, जबकि इसके FY20 में जो नेट प्रॉफिट थे वो मात्र 61 करोड़ देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर इनके जो नेट प्रॉफिट में 2 गुना से ज्यादा का जंप देखने को मिल रहा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं दोस्तों कि इनके जो
बिजनेस हैं वो काफी अच्छे ढंग से चल रहे हैं, और जो इनके नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ है वो काफी हाई देखने को मिल रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब FY21 के रिजल्ट लेकर के ये कंपनी हम निवेशकों के सामने आएगी तो वो रिजल्ट काफी शानदार रहेंगे। तो जिस प्रकार से इनके रिजल्ट अच्छे रह सकते हैं उस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्टॉक इन स्तरों से ऊपर निकलता हुआ देखने को मिलेगा, जिसका एस्टिमेट अभी हम लोग थोड़ी देर में लगाएंगे इस वीडियो में। अब दोस्तों हम लोग बैलेंस शीट में इनके जो रिजर्व हैं वो बढ़ रहे हैं या नहीं उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि इनके जो रिजर्व हैं साल दर साल लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। FY16 से FY20 तक इनके रिजर्व में 5 गुना का जंप देखने को मिला, जो काफी अच्छी बात है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि इसके बैलेंस शीट में कर्ज देखने को मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इनका लगभग 50 करोड़ का कर्ज था FY16 में, जो कि लगातार घटता हुआ देखने को मिल रहा है, ये काफी अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में इनके ऊपर कुछ कर्ज है, लेकिन शॉर्ट टर्म बोरोइंग में दोस्तों कंपनियां लोन लेकर के चलती है, ये पार्ट ऑफ बिजनेस होता है, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देने का है जब तक कि काफी बड़ा कर्ज ये कंपनी नहीं ले लेती है। तो इस हिसाब से हम लोग ये बोल सकते हैं कि डिक्सन टेक्नोलॉजी के जो फंडामेंटल्स है वो काफी अच्छे हैं और ये कंपनी ऑलमोस्ट कर्ज मुक्त है। एक बार हम लोग डिक्सन टेक्नोलॉजी ने कैसा रिटर्न दिया है अपने निवेशकों को उसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनके जो रिटर्न है दोस्तों वो लगातार पॉजिटिव बने हुए, 3 साल में इसके रिटर्न की बात करें तो ये 482% देखने को मिल रहा है, यानी कि इसने अपने निवेशकों का पैसा 3 साल में लगभग 6 गुना कर दिया है। तो ये 6 गुना करे भी क्यों नहीं, इसके फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं और इनके बिजनेस ग्रोथ काफी अच्छे हैं, नेट प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छे हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि डिक्सन टेक्नोलॉजी शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट दिखा सकता है आने वाले दिनों में और लॉन्ग टर्म में इसके टारगेट क्या हो सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने अभी पाया कि डिक्सन टेक्नोलॉजी के जो रिजल्ट हैं फंडामेंटल्स हैं काफी अच्छे हैं, उस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि ये शेयर इन स्तरों से ऊपर निकलता हुआ देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग टारगेट की बात करते हैं कि टारगेट क्या हो सकते हैं शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने वीकली चार्ट खोल रखा है और इस पर जो टेक्निकल इंडिकेटर लगा रखे हैं ये 200 डेज EMA है, ये 100 डेज EMA है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों ही इंडिकेटर से काफी ऊपर निकल करके ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये ब्रेकआउट देता हुआ देखने को मिल रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा। और जैसा हम लोग अभी पाए हैं कि इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं और रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, तो ये स्टॉक इन स्तरों से ऊपर जाएगा। अब कहां तक जा सकता है, तो इमीडिएट जो रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है ये 4456 रुपए पर देखने को मिल रहा है। और अगर टारगेट की बात करें कि पूरे जो साल भर में क्या टारगेट देखने को मिल सकता है डिक्सन टेक्नोलॉजी में, तो 6943 रुपए देखने को मिल रहा है। और भी अगर हम लोग लंबा समय ले लें करीब 5 साल का, तो हम लोग 5 साल में डिक्सन टेक्नोलॉजी को 10967 रुपए पर जाता हुआ देख सकते हैं, ऐसा इसके टेक्निकल इंडिकेटर सजेस्ट कर रहे हैं। अब हम लोग दोस्तों इसके जो रिटर्न है उसको हम लोग फंडामेंटली भी निकालने की कोशिश करते हैं लमसम कैलकुलेटर से, तो उसके लिए हम लोगों को कुछ डेटा यहाँ पर चेक करने होंगे। उसके आधार पर हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगले 5 साल में डिक्सन टेक्नोलॉजी के शेयर भाव क्या हो सकते हैं। अगर डिक्सन टेक्नोलॉजी के जो सेल्स ग्रोथ हैं दोस्तों पिछले 5 साल का देखें तो ये 30% CAGR के रेट से बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ 60% के आसपास देखने को मिले हैं। वहीं पर 3 साल में इनके स्टॉक प्राइस जो है दोस्तों 80% CAGR के रेट से हम लोगों ने बढ़ते हुए देखे हैं। तो अब दोस्तों हम लोग इस फिगर को याद रखेंगे कि इनका जो स्टॉक प्राइस ग्रोथ है ये 80% CAGR के रेट से बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग इसके जो प्राइस हैं इसको कंजर्वेटिवली हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये 30% CAGR के रेट से आने वाले 5 सालों में बढ़ेंगे, और इसी के आधार पर हम लोग लमसम कैलकुलेटर से इसके प्राइस टारगेट को लगाने की कोशिश करते हैं। हम लोग अभी वर्तमान भाव डाल देते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी का, ये तकरीबन 4000 के आसपास है। हम लोग एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है 30% कर देते हैं और टाइम पीरियड दोस्तों 5 ईयर्स ले लिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं दोस्तों कि जो
शेयर भाव निकल करके आ रहा है अगले 5 साल में, ये तकरीबन 14,852 रुपये आ रहा है एक शेयर का, जबकि अभी वर्तमान में 4,000 रुपये भाव चल रहा है। और अभी हम लोगों ने टेक्निकली भी जो भाव निकाला था दोस्तों अगले 5 सालों का, तो वो यहाँ पर 10,967 देखने को मिल रहा है। तो हम लोग अगर लोअर साइड में भी लेकर के चलें तो हम लोगों को अगले 5 साल में डिक्सन टेक्नोलॉजी के जो मिनिमम भाव हैं वो तकरीबन 11,000 रुपये देखने को मिल सकते हैं। और ये काफी कंजर्वेटिव टारगेट है दोस्तों, ये आना ही आना है, तय है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें। और आपकी भी राय अगर डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हो तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लगातार लेकर के आता रहता हूँ, और आपको मजबूत फंडामेंटल वाले शेयर के बारे में बताता रहता हूँ। और आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।